पीएम केयर्स फंड में योगदान करने वालों के लिए सरकार ने बड़ी राहत भी दी है। सरकार ने कहा है कि कंपनियों द्वारा प्रधानमंत्री आपात राहत कोष यानी कि पीएम केयर्स में योगदान को कंपनी कानून के तहत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व यानी कि CSR खर्च माना जाएगा। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने ट्वीट कर कहा कि देश में कोरोना वायरस फैलने के बीच सरकार इस महामारी पर अंकुश लगाने के प्रयास कर रही है। कंपनी कानून के तहत कुछ निश्चित श्रेणी की मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को अपने 3 साल के औसत शुद्ध लाभ को 2% एक वित्त वर्ष में CSR के तौर पर खर्च करना होता है। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत कोष यानी कि पीएम केयर्स फंड बनाया है। ये कोष कोरोना वायरस जैसी किसी आपात स्थिति में मदद देने का काम करेगा। इस कोष का इस्तेमाल COVID-19 की रोकथाम जैसी गतिविधियों में किया जा सकता है। इसमें स्वास्थ्य और साफ सफाई शामिल है। पीएम की इस अपील के बाद सरकारी विभाग और सामान्य लोग, कॉरपोरेट जगत, बॉलीवुड भी दिल खोल कर दान कर रहा है। डिजिटल भुगतान से संबंधित कंपनी पेटीएम ने कहा कि पीएम केयर्स फंड में 500 करोड़ रुपए का योगदान करेगी। पेटीएम ने एक बयान में कहा कि पेटीएम का वॉलेट, UPI और पेटीएम बैंक डेबिट कार्ड इस्तेमाल करके पेटीएम के जरिए दिए गए हर योगदान या अन्य किसी भी भुगतान के लिए कंपनी अतिरिक्त 10 रुपए का योगदान देगी। पेटीएम अध्यक्ष मधुर देवड़ा ने कहा कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए उठाए गए सभी राहत कदमों में सरकार की मदद करके अपना कर्तव्य पूरा करना हमारे लिए सम्मान की बात है। इससे पहले टाटा ट्रस्ट ने पीएम केयर्स फंड में 1500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। ये पैसा फ्रंटलाइन पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए चिकित्सा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, टेस्टिंग किट्स आदि में इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा JSW ग्रुप ने भी 100 करोड़ रुपए का दान सीधा पीएम केयर्स फंड में दिया है। हालांकि बॉलीवुड ने भी आगे आते हुए पीएम केयर्स फंड में दान किया है। अक्षय कुमार ने कहा कि मैं अपनी सेविंग्स में से 25 करोड़ रुपए की धनराशि पीएम केयर्स फंड में दान का वादा करता हूं। आइए जिंदगी बचाएं, जान है तो जहान है। इसके अलावा वरुण धवन ने भी 30 लाख रुपए दान किए हैं। वरुण धवन ने कहा कि हम जल्दी ही इसे जीत जाएंगे। टीवी के कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने भी इस फंड में 50 लाख रुपए का योगदान दिया। साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण ने 1 करोड़ रुपए की रकम पीएम केयर्स फंड में दान की और 50-50 लाख रुपए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार के CM राहत कोष में दिए। भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली भारत की सबसे अमीर खेल संस्था BCCI ने शनिवार को COVID-19 महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 51 करोड़ रुपए दान किए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।